हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो का किला आपको समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो का टॉपिक है गोल्ड स्कैम से रिलेटेड वीडियो है, तो देखिए पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा किस तरह से गोल्ड स्कैम होता है और किस तरह से आपको फंसाते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। बात कर रहा हूँ मनीष भाई, आपसे कुछ काम के बारे में बात करना है। सुनो, मैं जेसीबी चलाता हूँ भैया, खुदाई करते हैं जो मिट्टी में जेसीबी। मैं जेसीबी चला रहा था जी भैया, सोना निकला जी, खुदाई करते हुए गोल्ड होता है जो सोना चांदी गोल्ड है, वो मेरे को जेसीबी से मिट्टी के जरिए से खुदाई करते हुए सोना निकला है ना जी। 8 बिस्किट निकले भैया, सोने का जितना बड़ा 10 का नोट होता है जी कागज का, उतने बड़े बड़े बिस्किट है ना, और उसमें अरबी में मोहर लगे हुए दोनों तरफ 3 चीजें। तो भैया घबराए पड़े माल के जैसे, गरीब आदमी भैया उसको बेचना चाह रहे ना, तो आप ले लो भाई उसको, हम आपको आधे रेट में लगा देंगे माल को। मार्केट में जैसे सोने का 40 का रेट होगा ना, तो भैया मार्केट में जैसे सोने का 40 का रेट होगा, तो भाई हम आपको जो है उसको 20 के रेट में लगा देंगे ना। ऐसा जी भाई, मनीष भाई हमें आपका पहले कोई पैसा देने तो चाहिए नहीं भाई, आप पहले खाली हाथ आकर आप माल देख लो ना। मैं भैया इधर राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर है ना जो, यहाँ से बात कर रहा हूँ जी भैया। ऐसा पहले आपको 1 रुपये भी नहीं चाहिए भाई जान, आपको अपना एड्रेस लिखा देंगे, आप पहले खाली हाथ आकर आप माल देख लो ना। माल में से हम आपको सैंपल के तौर पे चेक करने के लिए टुकड़ा दे देंगे काट कर भैया, जो हम आपको सैंपल के तौर पे चेक करने के लिए टुकड़ा काट कर देंगे ना, उसका हम आपसे कोई पैसा डेली नहीं लेंगे भाई। आप अपने वहां पर उसको सुनार के पास में चेक करा लेना, सोनी के पास में ना। अगर भैया माल आपको अच्छा लगा, आपको भरोसा और विश्वास हो जाए, तो भाई आपको आधे रेट में लगा देंगे भाई, 2 पैसा तुम्हारे को बन जाएगा, आपके सारे सपना माल निकल जाएगा भाई जी। देखो बड़े भाई, झांसी सुना आपने? झांसी है? झांसी सुना मनीष भाई? झांसी, हाँ झांसी, हाँ सुनाओ ना। झांसी में जी खुदाई कर रहे थे, वहां पे झांसी के पास में बड़ा गांव पड़ता है ना, हाँ पड़ता है पड़ता है। हाँ वहां पे खुदाई कर रहे थे भैया, रात का समय था, वहां पे कोई राजा महाराजाओं का पुराना किला था ना भैया, हाँ था ना। हाँ रात का समय था बड़े भाई, 1-1.5 बज रहे थे तकरीबन, तब निकला था भैया। हमारे कोई पहले कंकर निकले थे भैया, कंकरों के नीचे घड़ा निकला था, घड़े में दबा हुआ निकला था ना ये माल हमारे को। तो भाई ये मनीष भाई, ये बात हमने वहां पर भी किसी के लिए नहीं बताई भैया, हम तो इसको रात में जो है किसको लेकर आ गए माल को ना, तो पिताजी ने बोला है बेटा ये बात, जो जमीन से माल निकलता है उसमें सरकार का होता है ना, तो इसलिए भाई जान यहाँ पर हम इसको नहीं बेचना चाह रहे भैया, दूर निकालना चाहते हैं। बड़े भाई देखो, आपका 1 रुपये भी नहीं चाहिए, पहले हमारे को आप हमारे से पहले खाली आता कर आप एक बार मुलाकात कर जाओ, आकर माल देख जाओ ना। माल में से हम आपको सैंपल के तौर पे चेक करने के लिए टुकड़ा दे देंगे काट कर भैया, जो हम आपको सैंपल के तौर पे चेक करने के लिए टुकड़ा काट कर देंगे ना, उसका भी हम आपसे कोई पैसा डेली नहीं लेंगे, आप अपने वहां पर उसको सुनार के पास में चेक करा लेना, सोने के पास में ना भैया। ठीक है ना। अगर भाई माल आपको अच्छा लगे मनीष भाई, आपको भरोसा और विश्वास हो जाए, तो बड़े भाई आधे रेट में लगा देंगे भाई, ये बात बड़े भाई जी। हम तो ये चाहते हैं भैया अपना माल जो भैया घर से निकल जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकल जाए, अपने साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए बड़े भाई जी। अच्छा पूरा एड्रेस देंगे? जी पूरा एड्रेस दे देंगे, नो प्रॉब्लम सर, क्या बात है सुन। तो एड्रेस, हेलो, हाँ भैया, तो ये एड्रेस बताइए, बोल रहा हूँ। भैया मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ जी, जिला भरतपुर से, जखोपुर गांव पड़ता अपना, कौन सा गांव? जखोपुर जखोपुर। जी हाँ। अच्छा मेरे को करना क्या है? उसको बेचना चाह रहे भैया हम, आप ले लो उसको, आपको इसीलिए तो कॉल किया भाई, आपको भी उसमें 2 पैसा बन जाएगा बड़े भाई हाँ बन जाएगा ना। जी अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो मनीष भाई, मैं इसको इस नंबर पे आपको, आपके नंबर पे बोले तो व्हाट्सएप पर माल का फोटो देख लेता हूँ, आप देख कर मेरे को समझ कर बता देना, सोच कर, जैसी भी कोई बात है बड़े भाई। हाँ यार व्हाट्सएप में देखते हैं क्या भेजता है, तो चलो व्हाट्सएप खोल लेते हैं, डाटा वाटा ऑन कर दिया मैंने, तो अब देख लेते हैं व्हाट्सएप में क्या आता है। थोड़ा देर रुकते हैं, अभी नहीं आया है, अपने आप को सलीम भाई बता रहा है, पता नहीं कहाँ का है। तो भाई आ चुका है, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज, उसके बाद आप देख सकते हैं डीपी में डाल दिया जीसीपी, उसके बाद हेलो लिख दिया इधर टाइटल में, उसके बाद देख सकते हैं जीसीपी
चलो देखते हैं क्या भेजा है, तो ऑनलाइन तो दिखा रहा है, तो मैं इस पर इसे प्रेस किया तो भाई आप देख सकते हो नेट कम चल रहा है, भाई बोल रहा है काफ़ी देर हुआ था नहीं भेजे थे, लेकिन बाद में भेज दिए हैं, 3:01 पर भेज दिए हैं अलग नंबर से, आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर इस नंबर से मुझे कॉल आया था, सेकंड नंबर इसमें भेज दिए हैं, वो गोल्ड है जो भी है, तो आप देख सकते हैं। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो गोल्ड है, पे का है कि कैसे है, तो किस तरह से मुझे कॉल किए, नंबर कहाँ से लिए और नाम भी कैसे उनका पता चला, तो आप देख सकते हैं इस तरह से भेजे हैं और क्या क्या करते हैं, तो इसके बारे में सारा कुछ डिटेल्स हम रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएंगे, तो देखते हैं और क्या क्या इन लोग करते हैं। तो और एक केस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी जाकर देख लीजिए। फोन पे ई कॉमर्स 4999 कैश बैक फ्रॉड कॉल करके कुछ आया है, आप जाके उसे देख लीजिए, मैं उसे लाइव रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया हूँ, उसे भी आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा भी और नॉलेज मिले। तो दोस्तों इस तरह की फ्रॉड कॉल से बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह का फ्रॉड कॉल करके आपको कई प्रकार की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, अपना इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर ना करें, अनजान व्यक्ति को तो बिल्कुल भी शेयर ना करें और जान पहचान व्यक्ति को भी अपना इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर आपके पास कभी भी इस तरह की फ्रॉड कॉल आता है तो कृपया करके उसका नंबर आप अलग से नोट करके रखिए, और उसका हो सके तो जिस तरह से मैं वीडियो बनाया हूँ उस तरह से आप भी रिकॉर्डिंग करने का प्रयास कीजिए ताकि सबूत के तौर पर आपके पास रहे। हो सके तो अगर आपके पास पुलिस स्टेशन पास में है तो आप इसे पुलिस को भी दिखा सकते हैं ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा था, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अच्छा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।